एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर आजम खान ने कहा है कि मीरपुर शहर के सबसे बड़े और कमर्शियल एरिया में गुज़श्ता कई सालों से ग्रीन बेल्ट के रकबा पर नाजायज कब्जा था और मुख्तलिफ अरसों में बल्दिया की तरफ से कोशिश होने के बावजूद भी कब्जा बागुजार न करवाया जा सका, जिससे इस कीमती रकबा के हवाले से मुख्तलिफ खदशात पाए जा रहे थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हालिया अरसे में इस नाजायज कब्जा को बागुजार करवाया और दीवार तामीर करवाई और दूसरी दीवार रातों रात गिरा दी गई। इस हवाले से बल्दिया के अमले को धमकियां भी दी गई। तहम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए इस रकबा को वागजार करवा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक मजकूरा रकबा की कीमत अरबों रुपए बताई जाती है और ये तकरीबन 7 कनाल से ज्यादा रकबा है। इस मौके पर मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से कब्जा वागजार कराने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि ये जगह जिस पर्पज के लिए है उसे उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अलिफ न्यूज मीरपुर आजाद कश्मीर।